Click a TV, the voice of the voiceless. Like it and click on following and click on see first. Then you will get all the new notifications and updates. आपकी होस्ट कायनात कवल और आप देख रहे हैं जेके टीवी। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीज फायर लाइन पर बिला इश्तियार फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। हुकूमत और लिबरेशन फ्रंट के मुजाकरात में डेड लॉक बरकरार। जसकोल धरना पूरी जोश और खरोश के साथ जारी। हुकूमती वुजरा शाह गुलाम कादर, मुश्ताक मिनहास और शौकत शाह के साथ होने वाले मुजाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। भारतीय मुजालिम और गुलामी के खिलाफ धरना अपने नवे रोज में दाखिल। सियासी जमातों समेत रिक्शा यूनियन के रहनुमा भी रिक्शु समेत इजहार यकजहती के लिए जसकोल पहुंच गए। मुजफ्फराबाद किला को बहाल करने के लिए महकमा सियाहत और लाहौर यूनिवर्सिटी में माहिदा तय पा गया। तारीखी वर्षा को महफूज बनाएंगे वजीर सियाहत मुश्ताक मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, अब एक नजर खबरों की तफसीलात पर। हटिया बाला स्पीकर आजाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादर, वजीर खुराक सैयद शौकत शाह, वजीर इतलात मुश्ताक मिनहास और लिबरेशन फ्रंट के कायदीन तौकीर गिलानी, रफीक डार, सलीम हारून और हाफिज अनवर समावी के दरमियान मुजाकरात का तीसरा मरहला नाकाम। हटिया बाला स्पीकर आजाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादर ने मुजाकरात नाकामी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मामलात को अपनी बसात के मुताबिक मुस्बत पैराय में लेकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन पर किसी किस्म का हुकूमती तशद्दुद की खबरों में कोई सदाकत नहीं। लिबरेशन फ्रंट की आदत से अपील करते हुए आपने कहा कि अब आपका पैगाम दुनिया में भेज दिया गया है, अब धरना खत्म कर दें। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मामला को नतीजे तक पहुंचा दिया जाएगा। इस वक्त आजाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने आजादी मार्च जसकोल चिनारी के मुकाम पर एहतजाजी धरना दे रखा है। एहतजाजी धरना पूरे जोश और खरोश के साथ जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा नईम खान हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी नईम साहब, रहमान रहीम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जसकोल के मुकाम से और आप देख सकते हैं बच्चों की भारी तादाद में यहाँ पर शामिल है और इस दुनिया को पैगाम देने के लिए निकले, ये पैगाम लेकर निकले हैं और देख सकते हैं कि कैसे इनके साथ आज शुरुआत है धरना के साथ ही जा रहे यकीन करने के लिए। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर आ पहुँचे हैं, एक स्कूल के बच्चे यहाँ पर आकर पहुँचे हैं। जी हाँ, इस वक्त आप देख सकते हैं ये बच्चे छोटे जो है वो यहाँ पर इस धरना में शामिल हो रहे हैं और तमाम शुरुआत है धरना से। ये इस वक्त इजारे यकजहती कर रहे हैं, ये इस वक्त यहाँ के मुकामी स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ पहुँचे हैं। ये इन्होंने हाथों में क्या उठाया हुआ है आप खुद देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। बहुत शुक्रिया जेके टीवी। नहीं, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आज़ादी मार्च तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के हवाले से इस वक्त मौजूए बहस बना हुआ है। इस आज़ादी मार्च की हमायत में तारकीन वतन दुनिया भर में जलसे जुलूस मुनक़द कर रहे हैं। आलमी मीडिया भी इस तरफ तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भी इस मार्च की इजहार यकजहती के लिए जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें बिला तफरीक रंग और नस्ल सियासी नज़रियात इस आज़ादी मार्च के साथ अमली इजहार यकजहती करती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियासत जम्मू कश्मीर के मायानास सहाफ़ी, सियासी हालात पर गहरी नज़र रखने वाले डोगरा जुल्फकार मलिक साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी मार्च की आज़ादी जम्मू कश्मीर के क्या असरात मुरतब हुए हैं और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अपने अहदाफ हासिल करने में किस हद तक कामयाब हो चुकी है। जी डोगरा साहब। जी कैनात, जेके लेफ का जो आज़ादी मार्च है और जो एहतजाजी धरना है, इसने बड़ी हद तक अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। इनका पहला हदफ तो ये था कि मसला रियासत जम्मू कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जाए और जो भारतीय मजालम है उनको आलमी सतह पर उजागर किया जाए, और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इस में कामयाब हो चुका है और इस वक्त मसला रियासत जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में मौजूद बहस बना हुआ है। फिर इसमें जो दीगर चीज़ें बहुत सारी सामने आई हैं, पॉजिटिव सामने आई हैं। एक तो क़यादत का जो तदब्बर है जो उनका, वो बहुत वाजिया होकर सामने आया है। बड़ी बसीरत का मुजाहरा उन्होंने किया है, बड़े अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की है।
फिर इत्तेहाद और यकजहती की जो फिजा बनी है वो काबिले तारीफ है कि तमाम जमातों का वहां पर जाना, इजहार यकजहती करना, बिला तफरीकों को नस्ल लोग वहां पर किए हैं और इजहार यकजहती की है और एक इत्तेहाद और इतफाक की फिजा बनी है और जो जोश और जज्बा है उनका वो मसाली है और इतनी शदीद सर्दी में इस वक्त मजाहिरीन वहां पर मुसलसल बैठे हुए हैं और उनके जो उस क्राउड है उसमें इजाफा भी होता जा रहा है, लोग उसमें दाखिल भी हो रहे हैं, कुछ लोग वापस जा रहे हैं लेकिन उनसे ज्यादा लोग जो है वो काफिलों की शक्ल में वहां पर जा रहे हैं। तो जी थैंक यू जी। इस आज़ादी मार्च के रुवेरवा और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद जम्मू और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जोन के सदर डॉक्टर तौकीर गिलानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अब उनकी क्या हिकमत अमली है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब वो इस बारे में क्या राय दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, क्या आगे का लाइन अमल है? जी जी, हमने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और मुतलका हलकों तक ये बात पहुँचाई है। आज से हफ्ते से यानी हमने 3 दिन का इनको टाइम दिया है कि या तो 3 दिन में हमारे मुतालबात जो हैं ये पूरे करवाएं, यूनाइटेड नेशन के लोगों को यहाँ पर लाएं, या 3 दिन के बाद हम इस बात के पाबंद नहीं होंगे, ये जो रुकावटें हैं ये हम खुद हटाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हम चुकोठी जाकर बैठेंगे, चुकोठी में हम धरना देंगे और एक दफ़ा फिर इनको मौका देंगे कि वो दोबारा जो है वो हमारे मुतालबात को तस्लीम करवाएं। इसके साथ साथ हम कुछ और भी इकदाम जो हैं वो आने वाले एक आध दिन में मीडिया के सामने रखेंगे कि हम क्या इकदाम करने जा रहे हैं। आखिरी हद तक हम अभी भी अपनी बात पर कायम हैं, हम पुरअमन हैं, हम निहत्ते हैं, हम पीसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई टकराव नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का। इसलिए बार बार हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये कह रहे हैं कि वो ये रुकावटें हटाएं और हमें पुरअमन तौर पर आगे बढ़ने दें, हम सीज़ फायर लाइन के करीब जाकर वहाँ धरना देकर आलमी बरादरी को जो है वहाँ बुलाना चाहते हैं ताकि वो खुद इस सूरत हाल का जायज़ा ले सकें। टेक इट टीवी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, लाइक इट एंड क्लिक ऑन फॉलोइंग एंड क्लिक ऑन सी फर्स्ट, देन यू विल गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स।